Congratulations, you have been accepted into the YouTube program. You can now monetize your videos and assess support. So guys, finally things are getting normal. Hamare Danish bhai aaye hue hain. He is going to see what's wrong with our recliner, and also the bathroom work is done. So slowly things will be getting solved. Jitne bhi errors hain, एक ये विंडो वाला एरर हमें सॉल्व करना है। ये मतलब बेसिकली ऐसा, ये देखो विंडो ऐसे ही खुल जाता है। सो बेसिकली ये लॉक का कुछ इश्यू है, ये वाला काम करना है। इसी सर्विसिंग में जो है नंबर लगाना। ऑल्सो दिस डोर यूज टू यू नो, जब ये बंद होता था तो ऐसा ढक 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 ऐसा आवाज़ होता था। तो उसके लिए तो मैंने फिलहाल एक छोटा सा जो है यहाँ पर एक पेपर दे दिया, इफ़ यू कैन सी। तो नाउ दिस थिंग इज सॉल्व्ड, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी हैं उसको। ऑल्सो आज किचन का भी वर्क अभी जस्ट हुआ, तो किचन थोड़ा सीज है थोड़ी देर के लिए। साफ सफाई इधर ओके, यू नो, सो एवरीथिंग इज गेटिंग नॉर्मल। लेट्स सी अभी दानिश भाई क्या देख रहे हैं। एडेप्टर में तो दानिश भाई नहीं होगा इशू, क्योंकि आप वो चेक करने वाला लाए हैं क्या? बट हाँ, कि वहाँ तक लाइन आ रहा है, आप चेक करके देखिए। तो यस, कुछ महीने पहले एक्चुअली, दो ढाई महीने पहले ही ये इशू हो गया था। मैंने दानिश भाई को तब मैसेज भी किया था, लेकिन वो लॉकडाउन के वजह से कुछ हो नहीं पाया। अब जब एवरीथिंग इज नॉर्मल, एंड बाय द वे दानिश भाई सिर्फ मास्क लगा के आ रहे थे, तो इनको हमारे सोसाइटी में अलाउ नहीं कर रहा था। बोला कि जाके मास्क भी ले लो, तो ही ऑल्सो गॉट द मास्क देन ही एंटर्ड। तो यस, सोसाइटी में जो है कुछ रूल्स हैं, विच इज़ ओके। हम सब लोगों को यू नो सेफ्टी मेजर करते हुए चलना है। देख लो दानिश भाई से कितना दूर है, और अगर जीजा जी काम कर रहे हैं। एंड वीज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडर्स इन योर लाइफ बाई इग्नोरिंग नेगेटिविटी एंड बाई एक्सेप्टिंग पॉजिटिविटी एंड बाई बीइंग थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाट एवर यू हैव इन योर लाइफ। दिस इज 25th ऑफ जून, 12:07 PM हो रहा है, गुरुवार है, एंड द टेम्परेचर इज 32 degrees Celsius, it's partially cloudy, so cheers। अब सब कुछ सही ही होने वाला है, जी हाँ। बाय द वे आज मैं जो है रूम में सारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब मैं यहाँ पर बैठ के, एक तो आई डोंट फाइंड दिस सोफ़ा वेरी कम्फर्टेबल। वाई, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका ये लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो बैठने के बाद मतलब यू नो सम शॉर्ट अप मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बैठ के काम वाम करने वाला नहीं है। एक्चुअली हमें हमारे रूम में एक छोटा सा टेबल और चेयर भी बनवाना है, फोल्डिंग टेबल चेयर बनवाना है, वो इसलिए ताकि मैं इसको वर्क स्टेशन जैसा यूज़ कर पाऊँ। यहाँ पर ऐसा बनवाऊँगा जो कि फोल्ड हो जाए ऐसा, और एक चेयर रखूँगा जो कि मैं लैपटॉप या सारा एडिटिंग ये सारा चीज़ कर पाऊँ। प्रभु जी को कॉल करके, हमारे कारपेंटर साहब को बुला के ये करना होगा। ऑल्सो आई विल सी, अगर मिल जाए कहीं इधर उधर तो विल गेट इट। बाकी सब तो बढ़िया है, एंड सो दिस वाई आई एम वर्किंग इनसाइड द रूम, बेड पे लेट के आराम से। तो ऑलराइट गाइस, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है, वो ये कि हमें लगा था कि वायर का इशू हुआ होगा, तो एक्चुअली वायर का इशू नहीं है। इन्होंने एक्चुअली अपना पुराना वायर, वी वेर 100% श्योर कि वायर का ही कुछ इशू हुआ होगा, लेकिन वायर इज़ परफेक्ट। एक्चुअली इशू हो गया ये बटन का, सो दिस बटन इज़ नॉट वर्किंग। सो हमारे दानिश भाई अभी क्या कर रहे हैं, बटन को रिप्लेस कर रहे हैं, खोल के कैसे सेटअप करेंगे देखते हैं। तो ये अपना उसी का है ना, रिक्लाइनर का ही है ना ये वाला? ये सब, हाँ ये सब नया, ये नई बार अगर रखेगा धूल मिट्टी लग जाती है। अच्छा, मैं तो ट्राई करने के लिए रखता ही हूँ सर। हाँ रखना ही चाहिए, ठीक है। बटन हाँ तो लगा। तो बेसिकली क्या हो गया ना, बात यहाँ पे ये है कि ये रिक्लाइनर जो है मतलब आई गॉट इट फ्रॉम होम सेंटर। सो होम सेंटर क्या करते हैं, एक साल के बाद दे डजंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो होम सेंटर को इस मामले में आई वुड लाइक टू से कि दे शुड स्टार्ट यू नो अपग्रेडिंग थिंग्स वेयर दे कैन, इफ दे सेल एनी प्रोडक्ट दे शुड बी सर्विसिंग इट। एंड जैसा कि देख रहे हैं कि ये स्विच खराब, पहले एडेप्टर जल गया है, वॉट एवर इट इज़, देन वो स्विच का भी इशू हुआ।
एनीवेज कोई बात नहीं, टेक्निकल चीज़ें हैं, हो ही जाती, इसमें किसी का गलती नहीं है, इट्स टोटली फाइन। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, 1:50 PM हो रहा है बेसिकली। आज हमारे साथ बहुत बहुत ज़्यादती हुई, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। सुबह सुबह मैगी बना और मैं कुछ सुन रहा था पार्शियली नींद में, कुछ तो कैप्सिकम मैगी और समथिंग इट वाज। और बड़ी दिन ने भी हमें नहीं उठाया, जीजा जी तो खाए लेकिन हमें उठाए नहीं, भूल गए थे जीजा जी हमको, और श्रेष्ठा ने भी नहीं उठाया हमें। सो इन शॉर्ट इतना भेदभाव चल रहा है फ़िलहाल अभी घर में। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि हमारे लिए रखा भी नहीं गया मैगी, कि चलो ठीक है अगर एनीवेज मैगी तो ठंडा गर्म जैसा भी अच्छा लगता है, तो इतना ज़्यादा ये सब चल रहा है जिसके वजह से जो है हमारे आत्मा तक जो है चोट पहुंची है। और ये दर्द मैं सिर्फ आप ही लोग से बांट सकता हूँ, क्या बोलूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ, कोई बात नहीं। Congratulations, you have been accepted into the YouTube program. You can now monetize your videos and assess support. This marks as a great achievement and a great initiative. So किस तरीके का आप ऐड देख पाएंगे, ओवरले ऐड, स्पॉन्सर्ड कार्ड्स, ओके, नॉन स्किपेबल वीडियो एड्स, स्किपेबल एड्स, टर्न ऑन एड्स ड्यूरिंग वीडियोज एज वेल। सो Yes, apply preferences. Whoa, this is really cool. Har Har Mahadev. So, alright, guys. I'll be letting you. मतलब I'll show you. माय न्यू सेटअप। इस न्यू सेटअप में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि हमारे भोलेनाथ हमारे पास रहते हैं, हमें गाते हुए देखते रहते हैं, हमें प्रेरणा मिलता है। और आज मैंने जो है यूजुअली मैं चेयर ला रहा था, लेकिन आज मैंने वही बेंच लेके आया, बिकॉज इस बेंच में क्या होता है कि मुझे ये गिटार को ऐसा रखने में काफ़ी कम्फर्टेबल होता है कि ये देखो एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। सो वॉट आर द थिंग्स आई एम यूजिंग, आई विल जस्ट शो यू। गिटार है, एसी का रिमोट, मैं टेम्परेचर रूम का ठंडा गर्म करते रहता हूँ, एचएस का गोटी इसलिए क्योंकि ये मैं चेस्ट पे रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं गोरिल्ला पॉइंट को बेड पे रखूँगा तो थोड़ा हिलता है व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द वीडियो। और ये तो मेरा फ़ोन है, इसी फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ हैशटैग सुरेश रांडिल्या लैब का। ये मेरा बोस का स्पीकर है, पावर बैंक से इसको अटैच करके चलाना पड़ रहा है क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया, थोड़ा इसमें इश्यू हो गया है। एंड यस, यही मेरा बेड है जहाँ पर मैं सोता हूँ, मैं इधर सोता हूँ, जीजा जी इधर सोती है नहीं सोते हैं। तो यह सबसे अब से जो है 6 से 8:30 का जो समय, थोड़ा रियाज खुद को बेहतर करने के लिए बनाया है और बस मैं करते रहूँगा जीवन भर। एंड यस, एज यू हैव सीन टुडे इज़ द रियली यू नो वेरी मच यू नो काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हो गया, बच्चों की तरह यू नो चैनल मोनेटाइज हो गया, खुद के मतलब यू नो मम्मी के फ़ोन से मैं वीडियो चलाया, छोटी के फ़ोन से वीडियो चलाया, जीजा जी से चलवाया, सब में ऐड आ रहा था, स्क्रीनशॉट्स लिया मैंने मम्मी के फ़ोन में। हाँ, सो आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज़ जस्ट लाइक, मैं इतना सा ही बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब में यू नो 1000 सब्सक्राइबर पार करना और 4000 मिनट पार करना इज़ टेक्निकली नॉट एट ऑल एन ईजी थिंग। और इसके बाद भी ऐसा नहीं होता है कि यू नो अब जैसे बहुत लोग को लग रहा होगा कि ऐड आ रहा है तो कमाई शुरू हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। जितने लोगों को जानकारी नहीं है मैं उतने लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप YouTube लेट्स सपोज ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो ज़ीरो से आप वीडियो अपलोड करते हैं यू नो धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो होता है, आप 1000 तक रीच करते हैं, उसके बाद आपका 4000 आवर्स कंप्लीट होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ टू बी डन, दैट इज़ कि अभी YouTube का एक मिनिमम $100 का थ्रेशोल्ड रहता है कि आप अभी जैसे मान लो एड्स चलना शुरू हो गया, अभी तक तकरीबन 20-25-50 जितने भी एड्स चले होंगे
यू नो, तो उस एड्स के पहले आपके YouTube अकाउंट में ही $100 तक जमा होता है। जब $100 आपका पार हो जाता है, तब उस $100 के बाद जितना भी पैसा आपका रहता है वो आपको 23 या 24 तारीख के महीने के हर 24-23 तारीख को वो आपके मतलब बैंक अकाउंट में आता है। तो जी हाँ, इतना लंबा चौड़ा कहानी होता है। और यू नो बट स्टिल इट्स अ गुड अचीवमेंट, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, यू नो। और मैं छोटे छोटे चीज़ को सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि एक एक छोटे छोटे चीज़ का यू नो बहुत ज़्यादा वैल्यू रहता है। जैसे वो जो पहले सब्सक्राइबर होंगे हमारे, और अब आज जो सबसे लेटेस्ट सब्सक्राइबर है, उन सब का यू नो बहुत बड़ा योगदान है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। बस आप इसी तरीके से जो है सपोर्ट करते रहिए। मैं जो कुछ भी हूँ वो यू नो ये चैनल जो कुछ भी है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसी तरीके से देखते रहिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू यू नो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो वॉट एवर एंड हाउ एवर यू फील, दैट विल रियली मोटिवेट मी अलॉट। एंड सिंस नाउ द चैनल इज मोनेटाइज, ऐसा नहीं है कि अब मोनेटाइज हो गया तो आई हैव टू बी यू नो मोर समथिंग समथिंग, बट या एक मन में सोचा है कि थोड़ा सा जो और सिंसियर और यू नो व्लॉग को अब कोशिश करूँगा, अपना रियल लाइफ तो दिखाऊं ही, साथ साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर रोज़ शेयर किया करूँगा। सो हर हर महादेव, आई एम बिगिनिंग द प्रैक्टिस। तकरीबन कितना टाइम हो रहा है, 6:19 PM हो गया। सो योर चीयर्स। रियाज के वक्त चाय यानी चार चांद, इसका आनंद ही कुछ और। बींग अ वोकलिस्ट, मतलब बींग अ सिंगर, बींग अ म्यूजिक एडमायरर, गर्म चीज़ें जो है हमारे गले के लिए और ऐसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी सही है। आहा, परम आनंद। हर हर महादेव। सो दिस इज आलू कद्दू एंड दाल। जी हाँ, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ये सिर्फ हम में बटेगा। तकरीबन 9:50 हो रहा है, जस्ट गॉट डन विद द क्लास एंड यू। तो बेसिकली अब आया न्याय का वक्त और हमारे साथ न्याय हुआ, हमें जो है इंसाफ मिला। तो बेसिकली सुबह कैप्सिकम मैगी बना था, तो अभी हालांकि किचन इज़ गेटिंग रैप्ड, सो श्रेष्ठा को सबसे पहले हमने कहा कि प्लीज़ बना दीजिए, तो श्रेष्ठा ने मना कर दिया। फिर मैंने बड़ी दी को बोला, फिर बड़ी दी के मन में आइडिया आया कि ओवन में भी मैगी बन सकता है। फिर जीजा जी ने अभी सेटअप किया, और तो बस कैप्सिकम मैगी फाइनली कमिंग ऑन माई वे। अद्भुत। तो ये रहा कैप्सिकम मैगी, और ये रहा इधर जो है। सो देर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज जो कि मोनेटाइज नहीं हो पाया, दैट इज़ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग यू नो ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत सारे गाने का ऑडियो क्लिप है, तो म्यूज़िक कंपनीज जो है कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं, तो उस वजह से जो अपना वीडियो मोनेटाइज नहीं हो सकता है। ऑल्सो तो उसमें एक ऑप्शन रहता है यूट्यूब में कि आप एक एक्शन ले सकते हैं उस ऑडियो को जो है, जहाँ पर अपने आपके वीडियो में किसी और का गाना आ रहा है उसको आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं YouTube के कुछ म्यूज़िक के साथ। तो जितने ब्लॉग्स को पॉसिबल है वो मैं कर रहा हूँ। एक हमारा मुंबई टू मदुरई में भी जो है उसको मोनेटाइज नहीं हो पाया था, वो ब्लॉग का रैंकिंग काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी तकरीबन 5,000 ऑर्गेनिक व्यूज़ हो गया। तो उस ब्लॉग को नाउ दैट ब्लॉग इज़ मोनेटाइज, मैंने उसको एडिट किया, और भी जितना हो पा रहा है उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। सो इन शॉर्ट द वर्क मोड इज़ ऑन एंड द कैप्सिकम मैगी। एक्चुअली दे ऑल वेयर यू नो सुबह से ऐसा ही चल रहा था, और आई थिंक कि इसको काफ़ी अच्छा रिव्यू नहीं मिला है। मैंने भी अभी टेस्ट किया, क्योंकि ये अन्नदेव हैं तो हम इनको थम्सअप देंगे, लेकिन हम इनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेंगे। हर हर महादेव। तो बेसिकली बात कुछ ऐसा हुआ कि उधर देखिए जीजा जी को भी खाना पड़ रहा है। एक्चुअली मैंने टेस्ट के लिए बोला था कि बना देने, आई वुड लाइक टू टेस्ट, लेकिन क्या हुआ पानी ज़्यादा चला गया, उसकी वजह से जीजा जी ने एक एक्स्ट्रा जो है वो उसका मैगी का जो एक रोल सा बना रहता है वो डाल दिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा तो बहुत है लेकिन मैं इसको दोहराना नहीं चाहूँगा, तो आई थिंक मैगी शुड नॉट डू सच एक्सपेरिमेंट।
मैगी खुद ही इतना कामयाब है, उसको अपग्रेडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मैगी बनता है वैसा ही बने। So alright guys, this clip जो आपने देखा वो मैं तकरीबन रात में 1 बजे तक I was still editing, वही जो जितने सारे vlogs को monetize करना, हालांकि 15-20 vlog अभी भी बचा हुआ उसको मैं अभी resume करूँगा, तो 1 बजे रात तक I was working only. And this recliner is ready, it costed me approximately what 1600, it costed me. लेकिन इसका जगह जो अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया, it's still hanging here. यहाँ पर जो है कोई कनेक्शन नहीं है, आइधर मुझे यहाँ पर से एक वायरिंग करा के यहाँ पर एक बोर्ड लगवाना होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी कि जहाँ पर ये जगह था यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन बड़ी थी, वॉकिंग करती है और चलने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, ऐसा मम्मी और सब लोगों का कहना है, बड़ों का कहना है और जीरा जी का कहना है कि इस तरह सेटअप कर दे, तो देखते हैं अभी किधर होता है. टेक्निकली ये चीज़ बन गया है लेकिन यूज़ नहीं हो पा रहा है, वही है वही जो राम रचेरा का. एंड यस, आई थिंक आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं. तो यस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, 26th of June, शुक्रवार, 1:46 PM हो रहा है एंड द टेम्परेचर इज 31 degrees Celsius, इट सेज. तो यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग, तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट, कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ के जो कुछ भी आपको आपके जिंदगी में चाहिए क्या उस चीज़ को आप सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे अनु अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे तो समझिए यहाँ पर तो सक्सेस की ओर पढ़ रहे हैं. और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह पढ़ने के लिए, हाँ सच में डिजर्विंग है, कीप ऑन क्वेश्चनिंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल शो यू योर एग्जिस्टेंस एंड इट विल ऑल्सो मोटिवेट यू टू वर्क मोर हार्ड. तो अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक हेल एंड टर्न इट टू दैट डिजर्विंग पर्सन, ट्रस्ट मी दैट यू विल बी टर्निंग अ डिजर्विंग पर्सन, गॉड विल ट्रूली गिव यू व्हाटएवर यू विल बी डिजर्विंग फॉर, क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम. तो बस हमें जो है खुद को योग्य बनाना है, मेहनत करना है, खुशियाँ बांटना है, प्यार बांटना है, बुरे सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए, जितना हो सके लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके आपसे वो आप लोगों को मदद कीजिए. ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, जो भी छोटा मोटा विकार है उसको त्याग दीजिए, सबसे बड़ा विकार है यू नो बड़ा छोटा मानना, यू नो खुद को किसी से बड़ा या किसी से छोटा समझना या खुद को किसी से कंपेयर करना, फिर फ्यूचर के बारे में सोचना या पास्ट के बारे में सोचना, इन सबसे दूर रहिए. एक एक सांस के लिए जो है वो परमेश्वर का उनके शुक्रगुजार रहिए. और ये पंखा काफ़ी अद्भुत तरीके से घूम रहा है, ये जीजा जी का जो वर्क स्टेशन है, बाकी सब बढ़िया है. आज यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड हैशटैग शेयर शायद डेली लाइव, और इधर रहे ट्विटर और इधर रहे हम, और एक गैजेट है उसको आप यू नो ब्लूपर्स में देखना, फ्यूचर गैजेट्स रिलेटेड टू कोरोना, आई एम प्लानिंग शुड आई और शुड नॉट, लेट्स सी.